नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी कम ही होगी कि सरकार कई सारी ऐसी योजनाएं भी चलाती हैं जिसमें आम लोगों को डबल फायदा होता है। डबल फायदा का मतलब इन योजनाओं से न सिर्फ लोगों के स्किल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान हर महीने कुछ रुपए भी सहायता के रूप में मिलते हैं। ऐसे ही एक योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की है जिसमें न सिर्फ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि हर महीने निर्धारित कुछ रुपए भी मिलते हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री दक्ष योजना है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति, कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर और अन्य समान वर्गों के हाशिए पर रहने वाले लोगों को दिया जाना है। योजना के मुताबिक इन वर्गों के लोगों के कौशल क्षमता का विकास किया जाता है ताकि ये कई अन्य रोजगार कर सके। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इन्हें स्टाइपेंड भी मिलते हैं, यानी कि ट्रेनिंग भी, पगार भी, सर्टिफिकेट भी और रोजगार भी। इस वीडियो में हम आपको पीएम दक्ष योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। पीएम दक्ष योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 2020-21 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही है। इसके तहत एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों को ट्रेन किया जाता है। यह ट्रेनिंग पूरी तरह से निशुल्क है। बताते चले कि इसके लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लोग की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होना चाहिए और ईबीसी वर्ग के लोगों की वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम होना चाहिए, तभी इन वर्गों के लोग पात्र हो पाएंगे। इसके तहत 4 तरह के कौशल कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें अप स्किलिंग या फिर री स्किलिंग, रघुकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आते हैं। बात अगर ट्रेनिंग के सेंटर की करें तो लक्षित नागरिकों को इसकी ट्रेनिंग सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों और अन्य संस्थानों में दिए जाते हैं। अप स्किलिंग या फिर रीस्किलिंग में 80% या उससे ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रशिक्षु लाभार्थी को वेतन मुआवजा के रूप में 3,000 रुपए दिए जाते हैं। वही अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग लेने वाले लाभुकों की उपस्थिति 80% या फिर उससे ज्यादा रहेगी तो उन्हें 1,000 से लेकर 1,500 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग और मूल्यांकन के बाद जो भी प्रशिक्षु सफल होंगे उन्हें सर्टिफिकेट के साथ ही जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। बताते चले कि इस योजना को 3 निगमों के द्वारा चलाया जाता है। ये 3 निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है। हाल ही में मंत्रालय द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसमें योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध है। साथ ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी इस ऐप या पोर्टल के जरिए होगा। इसके लिए आप चाहे तो इसके आधिकारिक पोर्टल https://pmdaksh.dosje.gov.in पर जा सकते हैं या फिर आप मोबाइल से पीएम दक्ष ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार जब आप खुद को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको अपने आसपास के सरकारी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद कई तरह के रोजगार के अवसर खुल जाएंगे, साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान आर्थिक मदद भी मिलेगी। अगर आप योजना के लिए रजिस्टर्ड होने की प्रक्रिया के लिए अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको स्टेप वाइज प्रक्रिया बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।